24 न्यूज इन इंडिया के लिए संभल से ब्यूरो चीफ आसिम रजा की रिपोर्ट। संभल में वक्ताओं को उनके हित की जानकारी देने के साथ ही उनके अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए मंच बनाने की पहल की गई है। नगर के चंदौसी मार्ग स्थित फाउंटेन पार्क में बैठक का आयोजन उप जिलाधिकारी दीपेंद्र यादव की अध्यक्षता में किया गया। उपभोक्ता हितों की सुरक्षा व अधिकार के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए मंच स्थापित करने की रणनीति बनाई गई। बैठक में उप जिलाधिकारी ने बताया कि अधिकांश उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, जिससे व्यापारी द्वारा उनका उत्पीड़न होता है। SDM ने NGO की भांति उपभोक्ता हित में कार्य करने के लिए एक मंच बनाने की बात कही। बैठक के दौरान अधिवक्ता शरद को समन्वयक व SDM को संयोजक मनोनीत किया गया। इसके साथ ही तय किया गया कि मंच की वर्किंग कमेटी में युवाओं के साथ विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। मंच की बैठक प्रत्येक गुरुवार को फाउंडेशन पार्क में की जाएगी। करते हैं, इनका काम है कि झंडा लेकर के वहाँ गाड़ देना, धरना लगा देना, हम 3 दिन नहीं उठेंगे, भूख हड़ताल कर देंगे। उससे कोई बहुत ज़्यादा समस्या का समाधान अभी तक होते हुए नहीं देखा गया। जनता में जागरूकता कैंप कर दिया, उपभोक्ता जो भी आप नाम रखते हैं मंच के अंतर्गत एक कैंप हो गया। जैसे आप यहाँ बैठक कर रहे हैं, आपने तमाम जगह से आप गोष्ठियाँ करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। आइए।